बेताल की कहानियाँ, जिसे बेताल 25 के नाम से भी जाना जाता है। ये 25 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल हैं। इन सभी कहानियों को बेताल एक पिशाच तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल से पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल रास्ता लंबा होने के कारण राजा विक्रम को कहानी सुनाता। जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है, कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वो वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। उधर जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो राजा एक सवाल पूछता और कहता, राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता था। विक्रम और बेताल की कहानी। तीनों भाइयों में ज्यादा सुकुमार कौन? काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और अपनी पीठ पर उसे लादकर आगे बढ़ने लगे। हर बार की तरह बेताल ने राजा विक्रम को एक कहानी सुनाने की शुरुआत की और कहानी की शुरुआत करते हुए बोला, अंगदेश राज्य के गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और तीन बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की जरूरत है, इसलिए कल तुम तीनों समुद्र के पास जाकर वहां से कछुआ पकड़ कर ले आना। पिता की बात सुनकर तीनों बेटों ने हाँ में जवाब दिया और दूसरे दिन तीनों माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। घर से निकलकर कुछ दूर चलने पर तीनों को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार ना हुआ। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। बड़े भाई की बात सुनकर मझले ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा, मुझे भी इससे गंदी बदबू आ रही है। इस तरह जब दोनों बड़े भाई ने कछुए को नहीं उठाया तो तीसरे भाई ने कहा, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल हूं। उसके बाद कछुए को उठाने को लेकर तीनों भाई आपस में लड़ने लगे और मामला राज दरबार पहुंच गया। इस मामले की जानकारी लेने के बाद राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला मेरी जिंदगी में पहली बार आया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका न्याय कल सुबह करूंगा। तुम तीनों मेरे मेहमान बनकर मेरे महल में रहो और भोजन और आराम करो। ये कहते हुए तीनों ब्राह्मणों को राजा ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया। तीनों ब्राह्मणों ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और खाना खाने पहुंचे। इस दौरान सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे बड़े भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब उससे भोजन ना करने का कारण पूछा तो उसने कहा, चावल में से शमशान में जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। उसकी बात सुनकर राजा चौंक गया और फौरन इसकी पड़ताल करने का आदेश दिया। राजा के सहायकों ने राजा को बताया कि सच में ये चावल किसी शमशान के पास के खेत से लाए गए हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। इस दौरान तीनों भाइयों में से दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वो मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर जैसे ही बैठा, वो तुरंत खड़ा होकर दूर बैठ गया। इस पर राजा को आश्चर्य हुआ और राजा ने उसे पूछा कि आखिर आप खड़े क्यों हो गए। राजा के पूछने पर उसने कहा, गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है और वो मुझे पसंद नहीं है। इस बात को भी राजा ने जांच का आदेश दिया तो बाद में पता चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। इस तरह राजा एक बार फिर खुश हो गया। इस तरह संगीत कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी सोने के लिए चले गए।
इस तरह बड़ा और मझला भाई दोनों सो गए, पर छोटे भाई को नींद नहीं आई और उसने राजा से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तब वो बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है, कृपया इसकी जांच करवाइए, नहीं तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। राजा ने यह सुना तो एक सैनिक को बिस्तर की जांच करने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक बिस्तर की जांच करने लगा तो पता चला कि बिस्तर पर एक बाल था जो तीसरे भाई को सोने नहीं दे रहा था। इस तरह तीसरे भाई ने अपना कुर्ता उतारा तो सभी ने देखा कि उसका बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। राजा ये देखकर हैरान हुआ, लेकिन राजा खुश भी बहुत हुआ। इसके बाद दूसरे दिन राजा ने न्याय के लिए तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी दो को कुछ सोने के सिक्के दिए। इसके बाद राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से बहुत खुश हूं। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर भिजवा दूंगा। इस तरह बेताल ने अपनी कहानी का अंत करते हुए राजा विक्रमादित्य से फिर एक बार आदतन सवाल किया। विक्रम से बेताल ने पूछा कि बताओ विक्रम, तीनों भाइयों में से सबसे अधिक सुकुमार कौन था? बेताल के सवाल का जवाब देते हुए राजा विक्रमादित्य बोले, सबसे छोटा भाई सबसे अधिक सुकुमार था, क्योंकि हो सकता है कि दोनों बड़े भाइयों ने अपने सुकुमार होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना सुकुमार है ये तो राजा ने खुद आंखों से देखा। इस तरह विक्रम का सही जवाब सुनकर बेताल फिर एक बार खुश हुआ और कहा कि मान गए विक्रम, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, फिर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। ये कहते हुए बेताल एक बार फिर वापस से पेड़ पर जाकर लटक गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी उन गुणों को उजागर नहीं करना चाहिए जो हमें नहीं है।